अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं इंस्टेंट रवा डोसा की रेसिपी। तो ये डोसा हम फटाफट बनाएंगे रवे से। तो इस डोसे में आपको टेंशन नहीं कि आपको अभी दाल सोक करने रखना है या फिर राइस सोक करने रखना है और फिर उसको पीसना है और फिर थोड़ी देर रखना है फर्मेंट के लिए, तो ये सब कुछ भी टेंशन नहीं होती, मिनटों में बन जाता है ये डोसा, तो आप कभी भी बना सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करेंगे हम रवा डोसा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे एक कप रवा यानी सेमोलिना। सेमोलिना को हमने यहाँ पर मिक्सर जार में अच्छे से बारीक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हाफ कप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। राइस फ्लोर हमने घर पर ही बनाया है। तो अब मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप मैदा। तो राइस फ्लोर ऐड कर देने से हमारा डोसा क्रिस्पी बनेगा, इसलिए राइस फ्लोर ज़रूर ऐड करें। तो अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दूँगी। तो बेसन आप चाहे ना ऐड करें लेकिन मुझे पसंद है डोसे में, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और बाइंडिंग में बहुत हेल्प करता है बेसन, इसलिए मैंने बेसन ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी करी पत्ता चॉप किया हुआ और हरा धनिया चॉप किया हुआ। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। तो दोनों मैंने 1-1 टेबलस्पून ऐड किया है, धनिया और करी पत्ता चॉप किया। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम यहाँ पर एक अच्छा घोल बना लेंगे। और स्पून को हम हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। और सारा पानी एकदम से नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और घोल बनने के बाद पानी ऐड करेंगे। एक साथ पानी ऐड कर देने से गुठलियाँ जल्दी बन जाएंगी, इसलिए हम एक साथ पानी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमने गुठलियाँ ख़त्म होने तक अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम पानी ऐड कर देंगे और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड की है 2 बारीक चॉप करके। पानी मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास ऐड किया है। तो ये देखिए हमारा बैटर हो गया है अच्छे से रेडी, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है यहाँ पर हमारे बैटर की। तो यहाँ पर गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो गई हैं, बैटर भी हो गया है रेडी। अब हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर इस बैटर को। तो जब तक कि हमने रखा है बैटर को रेस्ट पर, जब तक कि हम चटनी बना लेंगे फटाफट। तो खोपरे की चटनी यानी कि नारियल की चटनी और सांभर मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आप खोपरे की चटनी और सांभर ना बनाना चाहें तो इस चटनी को बना लें। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे हम। तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर सरसों ली है यानी मस्टर्ड सीड ऐड कर दूँगी मैं ऑयल में। 5 से 6 मैंने करी पत्ते लिए हैं, वो ऐड कर दूंगी ऑयल में। तो 4 से 5 मैंने गार्लिक ले लिया है, लहसुन की कलियाँ ये मैंने इस तरह से चॉप करके ऐड कर दी। 2 होल रेड चिली ऐड कर दूंगी मैं। तो तड़के के मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी हैं। उड़द दाल ये मैंने 1 टीस्पून लिया था, इसे ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून चना दाल ऐड कर दूंगी जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ऐड कर देने के बाद अच्छे से भून लूँगी, स्पून से चला लूँगी एक बार ताकि जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट फ्राई किए हैं सभी अच्छे से भुन जाएं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कोकोनट। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट ऐड किया है और साथ ही में मैंने 1 बिग साइज़ का टमाटो ऐड कर दिया जो मैंने इस तरह से चॉप किया था। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को हाई कर दूँगी। तो हाई फ्लेम पर हम सभी चीज़ों को अच्छे से भुनने देंगे। और अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी और 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ पर होल ज़ीरा नहीं ऐड किया है। तो लगभग सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं, तो इस चटनी से ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब हम इन चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके चटनी बना लेंगे। ये चटनी फ़ौरन बन जाएगी क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर टेंडर हो चुकी हैं। तो ये देखिए डोसे का बैटर भी परफेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी, होल ज़ीरा। तो एक बार बैटर को अच्छे से स्टर कर लें, क्योंकि सेमोलिना यानी सूजी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो बार बार स्टर करके ही आप डोसा बनाएं इसका। तो ये देखिए मैंने इस नॉनस्टिक पैन पे पहले पराठे बनाए थे, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है और इस पैन में मैं थोड़ा सा ही पानी स्प्रिंकल करूँगी और एक टिशू की हेल्प से अपने नॉनस्टिक पैन को क्लीन कर लूँगी। ऐसा करना ज़रूरी है, इससे डोसा अच्छा बनेगा। तो अभी हमारा पैन बिल्कुल गर्म है, पैन को कर लेंगे हम नॉर्मल टेम्परेचर पर और फिर डालेंगे हम बैटर अपना पैन पर। तो इस तरह से राउंड शेप में हम डालते जाएंगे बैटर को और जो पोर्स हैं उनको फिल करते जाएंगे। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर अपना डोसा बनाएंगे तो आपका डोसा बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो अब हमें फ्लेम को हाई रखना है
और इनके साइड्स में हम ऑयल लगाते जाएंगे इस तरह से स्पून की हेल्प से, ताकि अपना साइड्स आसानी से चेंज कर लें, अच्छे से टर्न हो जाए। तो इसलिए ये ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर स्पैचुला से इनको टर्न कर देंगे। आप इस तरह से स्पैचुला यूज़ करें, बहुत ही आसानी से डोसा टर्न हो जाएगा अगर आप इस तरह का स्पैचुला यूज़ करेंगे। तो ये देखें आप, जालीदार डोसा बनकर तैयार है। इनको नीचे से भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि ये दूसरे साइड से भी क्रिस्पी हो जाए। तो डोसे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में क्रिस्पी होने के बाद, और इसी तरह से बाकी के डोसे हम बना लेंगे। तो ये वाला डोसा हम ओनियन वाला डोसा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबलस्पून बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, और उसके ऊपर से मैंने बैटर इस तरह से डाल दिया है। इससे पहले वाला डोसा मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर कुक किया था, ये मैंने सुपर हाई फ्लेम पर कुक किया है। तो देखिए कितना बढ़िया डोसा तैयार हुआ है। ये दोनों साइड से क्रिस्पी भी है और बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, आप भी हाई फ्लेम पर ही अपने डोसे को कुक कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया जालीदार डोसा बनकर तैयार हो गया है हमारा, वो भी कितने कम टाइम में। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।